तो इस्लामी साल कब शुरू हुआ, इसी टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में हम। दोस्तों, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में इस्लाम की दावत फैला रहे थे, तो कुरैश के लोगों को ये बात नागुज़ीर थी, इसलिए उन्होंने उन्हें यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देना शुरू की। उनकी तकलीफ़ों से तंग आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने, जो कि उस वक्त यसरब कहा जाता था उसे, उन यसरब की तरफ जो है वो हिजरत करने का इरादा किया। आपने इरादा फरमाया और 8 दिनों की मुसलसल सफ़र के बाद आप पहुँचे यसरब। और ये तारीख थी 2 जुलाई 622 ईस्वी। 2 जुलाई 622 ईस्वी वो दिन था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में दाखिल हुए। और इस वाक़े को हिजरा कहा जाता है, यानी हिजरत कहा जाता है। और इसी वाक़े से जो है हमारा इस्लामी साल शुरू हुआ है, यानी इस्लामी साल 2 जुलाई 622 ईस्वी से शुरू हुआ। वीडियो यहीं पर ख़त्म ही दोस्तों। अगर ये पसंद आई है आपको तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मेरी हेल्प कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।